अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ एहसान मोगा। आज की वीडियो में जी हम बात करने वाले हैं हेयर स्ट्रेटनर के बारे में कि कौन सा हेयर स्ट्रेटनर आपको बाय करना चाहिए, कौन सा हेयर स्ट्रेटनर जो है वो ओरिजिनल है, कौन सा हेयर स्ट्रेटनर फेक है। इस वीडियो में जो है ना आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि आपको कौन सा हेयर स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए जो कि ओरिजिनल है, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए जो कि फेक है। क्योंकि मार्केट में जब भी आप स्ट्रेटनर लेने जाते हैं तो आपको जो है ना दो तरह के स्ट्रेटनर मिलते हैं। अमूमन जो है ना वो कस्टमर्स को पता ही नहीं चलता भाई कि ओरिजिनल स्ट्रेटनर कौन सा है, फेक कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादातर 90% जो हैं वो आपको फेक स्ट्रेटनर ही मिलते हैं, ठीक है। रिमिंटन का स्ट्रेटनर है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। दो स्ट्रेटनर हैं, एक रिमिंटन का ओरिजिनल है, एक रिमिंटन का फेक है, ठीक है। तो आप वीडियो चल के देख लीजिए, बाकी इंशाल्लाह ताला वीडियो के बाद बात करते हैं। जी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो तरह के स्ट्रेटनर हैं। एक पे 950 हीट आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। एक ये जो आप देख सकते हैं ये रिमिंटन का वो मॉडल है जो कि ओरिजिनल कंपनी का नहीं आता है, ये भी रिमिंटन का ही है, लेकिन ये वो मॉडल है जो कि लोकल यहाँ पर जो है जो तैयार किए जाते हैं, रेडी किए जाते हैं, ये वो मॉडल है, ठीक है, जो कि रिमिंटन का फेक मॉडल आता है, ये वो है। काम गाइस ये भी करता है लेकिन इतना अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट जो है ये वो नहीं देता। आप देख सकते हैं बॉक्स वगैरह हर चीज़ इस पर सेम टू सेम ओरिजिनल वाली क्वालिटी तो खैर नहीं होती, लेकिन पैकिंग हर चीज़ वही दी गई है। एक ये मॉडल है जी, ठीक है, ये साइड पे रखते हैं। अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूँ। ये अगर आप मॉडल नेट पे भी सर्च करते हैं, इसकी वेबसाइट पे भी, तो भी आपको ये मॉडल नहीं मिलेगा। ये इसका देख सकते हैं आप, ये इसका पीस है, ठीक है, ये स्ट्रेटनर है। आप इसकी प्रिंटिंग वगैरह देख सकते हैं, वो भी कुछ इतनी जो है ना वो क्वालिटी वाली नहीं है। एलईडी डिस्प्ले भी इन्होंने लगाया हुआ है इसके अंदर, इन्होंने प्लेट्स भी बहुत अच्छी लगाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी वो क्वालिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। फेक चीज़ आपको पता है गाइस, फेक चीज़ फेक ही होती है, वो चाहे जिस मर्जी क्वालिटी में बना लें, ठीक है। एक तो इसमें बड़ी वाइड प्लेट्स नहीं हुई हैं, सेम इन्होंने ना उसकी कॉपी बनाई हुई है ओरिजिनल स्ट्रेटनर की, लेकिन स्ट्रेटनर जो है ना ये फेक आता है, ये ओरिजिनल क्वालिटी नहीं आती। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ओरिजिनल आता है, इसको साइड पे कर लेते हैं और ध्यान से ये देखें जी, ये है रिमिंटन का ओरिजिनल, ठीक है। सिरेमिक प्लेट्स हैं इसकी, 230 की मैक्सिमम हीट है, दी बेस्ट क्वालिटी का जो है ना ये स्ट्रेटनर है। इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं, S35 आता है इसमें, S6300 आता है इसमें, काफ़ी किस्म जो है ना वो मॉडल आते हैं, लेकिन इसके जो है ना S6300 जो है वो मॉडल और 6800 ये दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के जो है ना स्ट्रेटनर आते हैं मार्केट में। ये इसकी पैकिंग आती है, देख सकते हैं आप, जो के इंटरनेशनल मॉडल होते हैं, ओरिजिनल कंपनी के होते हैं, वो उसको किस तरीके से एक बेस्ट क्वालिटी की पैकिंग में जो है ना वो अपने कस्टमर के लिए देते हैं। पॉलीथीन पैक है इसके अंदर जो है, आप देख सकते हैं सील्ड होती है ये। अभी मैं आपको ये गाइस ओपन करके भी दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है, देख लीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में आपको हर चीज़ की हर बात की समझ आई होगी, ठीक है। इसमें मैंने दो तरह के स्ट्रेटनर बताए हैं, एक ओरिजिनल है, एक फेक है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अमूमन होता क्या है जी कि कस्टमर हमारे पास आते हैं कि भाई हमें वो स्ट्रेटनर दे दें जो कि क्वालिटी में अच्छा हो, प्राइस में कम हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ बहुत कम मिलती हैं, लेकिन रिमिंटन का अगर आपके स्ट्रेटनर बाय करते हैं, ठीक है, S6300 जो के आपको मैंने इसमें बताया ये बेस्ट क्वालिटी का स्ट्रेटनर है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कस्टमर आते हैं जी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट वाला स्ट्रेटनर चाहिए, जिसकी हीट जी 750 हो, 950 हो, अमूमन इस हीट में स्ट्रेटनर चाहिए। लेकिन जो स्ट्रेटनर मैं आपको बता रहा हूँ इसकी हीट है 230, इसकी मैक्सिमम 230 स्पीड है, इसकी हीट है। अगर आप 230 हीट को चेक कर लीजिए और 950 वाले को चेक कर लीजिए, वो सिर्फ फेक होते हैं। उनका जो डिस्प्ले ऊपर एलईडी डिस्प्ले आ रहा होता है उसके ऊपर 950 शो होता है, लेकिन एक्चुअल उनकी जो हीट होती है वो 230 हीट से भी कम होती है। तो आपने ये चीज़ जो है ना माइंड से निकाल देनी है।
कि 230 हो या 950 हो, 230 लें, ओरिजिनल लें जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी देगा, ठीक है। स्ट्रेटनर जितनी हीट अच्छी क्वालिटी का होगा उसको आपको बार 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 स्ट्रेट करना नहीं पड़ेगा। जो अच्छी क्वालिटी का, जिनकी स्ट्रेटनर्स की क्वालिटी अच्छी होती है, जिनकी हीट अच्छी होती है, सिरेमिक प्लेट्स होती हैं, उनको सिर्फ एक दफ़ा करना पड़ता है। आपने एक दफ़ा सिर्फ बालों को स्ट्रेट कर लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि होता क्या है कि जो स्ट्रेटनर आप ले लेते हैं, ठीक है, मार्केट में बाज ऐसा होता है कि उनकी हीट भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन होता क्या है, जब आप एक स्ट्रेटनर को दोबारा 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 यूज़ करते जाते हैं, बालों पे यूज़ करते जाते हैं, तो स्ट्रेट तो बाल आपके हो जाते हैं लेकिन बालों में एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है, बाल फूल जाते हैं, जिसको कहते हैं ना बालों में बम फट गया, इस तरह हो जाते हैं, ठीक है। जितनी स्ट्रेटनर की हीट अच्छी होगी वो बालों को उतना ही कम डैमेज करेगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी स्ट्रेटनर बाय करें तो ये जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये वाला बाय कर लें। इसके और भी मुख्तलिफ मॉडल आते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट मॉडल है, ठीक है। आप इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने कोई भी, लेकिन एक चीज़, ये स्ट्रेटनर जो है आपको मैक्सिमम जो है 5500 से 6000 के राउंड अबाउट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बाकी रेट की जो डिटेल है वो आपको शेयर कर दूंगा कि भाई किस तरीके से आप मुझसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पेज मुगल स्टोर 9413, ये ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल यूट्यूब पे एहसान मुगल 9413, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं जी इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।